देखिए राकेश जी, यहाँ पर देखिए मार्केट में एक गैप अप ओपनिंग हुई है, ठीक है। गैप अप ओपनिंग होने के बाद में मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आया है और मार्केट देखिए कम से कम 50 से 60 पॉइंट नीचे गिरा है। अभी हम क्या देखने वाले हैं, आपको यहाँ पर यही देखना है ओनली कि मार्केट में एक गैप अप ओपनिंग हुई है, ओके। यानी मार्केट में ये यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुई है, मार्केट का जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग है उसके ऊपर मार्केट ने ओपनिंग दी है। हमारे सामने ये कुछ भी अभी कैंडल नहीं बने हैं, ये हमें अभी मानकर चलना होगा। उसके बाद में आपको करना क्या है, प्रीवियस डे के पैटर्न को आपको ड्रॉ करना है, ट्रेंड लाइन से सपोर्ट को सपोर्ट से और रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस से कनेक्ट करवा के ड्रॉ करना है, ओके। ट्रेंड लाइन से यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस से ट्रेंड लाइन से ड्रॉ किया है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक बार इन सभी को मैं डिलीट कर देता हूँ ना। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर ये एक सुपर फॉर्मूला फोर सिनेरियो जो मैं आपको बता रहा हूँ उसका ये कुछ भाग है। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर किया क्या किया है, ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस से ड्रॉ किया एंड यहाँ पर देखिए सपोर्ट को सपोर्ट से मैंने ड्रॉ किया। अब देखो यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, सपोर्ट ट्रेंड लाइन, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, ये आपस में क्या कर रही है, दूर जा रही है। देखिए यह एक सिनेरियो है, ये मार्केट का अलग सिनेरियो है। यहाँ पर देखिए मार्केट में जो गैप अप ओपनिंग हुई है बिल्कुल यहाँ पर जस्ट इसी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के पास में हुई है। और मार्केट में होता क्या है, ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है। सपोर्ट ट्रेंड लाइन पर मार्केट सपोर्ट लेगा एंड रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पर मार्केट रेजिस्टेंस लेगा। उसके बाद में देखिए मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुई है यहाँ पर इसी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पर और मार्केट में सेलिंग प्रेशर आया है। सेलिंग प्रेशर आया है तो मार्केट कहाँ तक ट्रेड कर सकता है, मार्केट ट्रेड कर सकता है अपने सपोर्ट ट्रेंड लाइन तक। तो मार्केट देखिए कहाँ तक ट्रेड किया, सपोर्ट ट्रेंड लाइन तक, और मार्केट को सपोर्ट कहाँ पे मिला, इसी सपोर्ट ट्रेंड लाइन पर। तो उसके बाद में मार्केट को यदि सपोर्ट ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट मिला तो वापस से मार्केट ट्रेड कहाँ पर करेगा, अपने रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पर। तो मार्केट देख सकते हैं यहाँ पर कहाँ तक ट्रेड किया है, अपने रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन तक। अब देखिए मार्केट जैसे रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन तक यदि ट्रेड करता है तो यहाँ पर इसमें आता है एक सेलिंग प्रेशर, जो रेड कैंडल देख रहे हैं। यदि ये रेड कैंडल बन चुका है तो मार्केट वापस से कहाँ तक ट्रेड कर सकता है, अपने सपोर्ट ट्रेंड लाइन तक। बट यदि ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर मार्केट को यहीं पर कहीं पर सपोर्ट मिल जाता है तो मार्केट का जो सिनेरियो है वो चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर हम करने क्या वाले हैं, इस वाले सपोर्ट को इस सपोर्ट से हम ट्रेंड लाइन से ड्रॉ करने वाले हैं, ओके। देखिए मैंने इस वाले जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, सपोर्ट को इस वाले सपोर्ट जो न्यू सपोर्ट बना है इसको मैंने ट्रेंड लाइन से ड्रॉ कर दिया। अब देखिए जो सिनेरियो आपको देखने को मिल रहा है ये ध्यान से देखिएगा, ये क्या है रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, ये क्या है सपोर्ट ट्रेंड लाइन, ये क्या है सपोर्ट ट्रेंड लाइन, दोनों का क्रॉस हो रहा है। यहाँ पर देखिए दोनों का क्या हो रहा है, आपस में क्रॉस हो रहा है। यानी मार्केट किस में चल रहा है, एक ट्रायंगल में अभी ट्रेड कर रहा है। अब ट्रायंगल में ट्रेड कर रहा है तो मार्केट का जिधर से भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होगा तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर अपनी पोजीशन बनाएंगे। ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में हमेशा मार्केट का ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट होता है, यानी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को मार्केट ऊपर जाकर ब्रेकआउट होता है, ठीक है। ऐसा यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट का रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, अपना टारगेट डिसाइड करना है कि टारगेट यहाँ पर जैसे ही रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो हमारा टारगेट क्या होगा। एक बार इन सभी को डिलीट कर देता हूँ मैं, काफ़ी ज़्यादा मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है, ये सभी नॉर्मल लाइन है। लेकिन लाइव मार्केट में आपको यहाँ पर ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, इन सभी का यूज करना है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा एक प्रीवियस जो क्या था, एक सपोर्ट था और नए सपोर्ट से हमने ट्रेंड लाइन से इसको ड्रॉ किया। और इससे पहले जो प्रीवियस डे के हमने जो पैटर्न था उस पर जो सुपर फॉर्मूला फोर सिनेरियो लगाया था, यानी कि जो हमने सपोर्ट को सपोर्ट से कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था वो कुछ इस प्रकार था, ठीक है। एंड ये हमारा क्या था, एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मार्केट ने रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पर ट्रेड करने के बाद में एक सेलिंग प्रेशर दिखाया, बट इससे पहले ही मार्केट को इस वाले सपोर्ट ट्रेंड लाइन पर ट्रेड करने से पहले ही मार्केट को नया एक सपोर्ट मिल जाता है, यानी मार्केट का पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है। इस वाली कंडीशन में मार्केट का ऊपर की तरफ हमेशा ब्रेकआउट होता है और ब्रेकआउट होने के बाद में मार्केट का जो ओपनिंग प्राइस है ये आपको हॉरिजॉन्टल लाइन से इसको ड्रॉ करना है और आपको अपना टारगेट रखना है। यानी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट जैसे ही ब्रेक करता है, ब्रेकआउट दिखाता है, सक्सेसफुली कोई भी ग्रीन कैंडल ट्रेड करती है, उसके बाद में आपको नेक्स्ट अपना टारगेट रख लेना है मार्केट के ओपनिंग प्राइस, ओके। यदि ये अभी ओपनिंग प्राइस है बट इसका विक भी हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा ऐसी कंडीशन में आपको विक भी देखने को मिलेगा, तो विक को आपको अपना टारगेट रखना है। एंड यहाँ पर जो नेक्स्ट इसके बाद में जो टारगेट होगा ये देख सकते हैं, ये प्रीवियस डे का पैटर्न है और इससे पहले का पैटर्न हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इस वाले पैटर्न का जो क्लोजिंग हुआ है इसको भी आपको हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ कर लेना है। देखिए मार्केट यहाँ पर जो इस वाले लेवल पर ट्रेड किया, यानी मार्केट ने अपने
ओपनिंग प्राइस के ऊपर जाकर ट्रेड किया, उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा लेवल बन के आ रहा है वो उससे पहले के प्रीवियस डे के पैटर्न का क्लोजिंग प्राइस आ रहा है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से मार्केट काम करता है और इस पर कुछ प्रैक्टिस करनी जरूरी है। तो बताइएगा